जो था ना बच्चों का बीपी वगैरह नहीं रहता था बहुत पहले, आपने कभी सुना है बच्चों का बीपी 250-300 हो गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है, खास बच्चे में रहता था। लेकिन अभी ये कोरोना हो गया, फास्ट फूड बच्चे इतना खाते हैं, ये केमिकल्स वाली दवाई खा लेते हैं, बचपन से बच्चों को इतना एंटीबायोटिक्स खिलाया जाता है, स्टीरोइड्स, अस्थमा का अटैक रहता है तो इतने स्टीरोइड्स खिलाए जाते हैं, इतने लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट देते रहते हैं, तो बच्चे क्या कमज़ोर हो जाता है। बच्चों का शरीर बहुत कोमल रहता है, नाजुक रहता है, वो उनको भी दवाई भी ऐसे देनी चाहिए कि जो उनको डाइजेस्ट हो ना। अगर उसका कॉफ कम नहीं हो रहा है, स्किन डिजीज कम नहीं हो रहा है, हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा एंटीफंगल या स्टीरॉयड मत दीजिए। देना भी हो तो 2-3 दिन 5 दिन, उसके बाद तुरंत बंद करना है ये केमिकल मेडिसिन। उसके बाद अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है आपका बच्चा, तुरंत आयुर्वेदिक दवाई दीजिए। बाल झड़ना भी बंद हो जाता है, इवन बाल ढोके आते हैं, पूरा सफ़ेद बाल लेकर आते हैं बच्चे का, वो भी ठीक हो जाता है। तो आगे की ट्रीटमेंट तो इजीली हो जाएगी। बच्चा जितना छोटा रहता है, जितने बचपन से आप ट्रीटमेंट करो उतना जल्दी रिजल्ट देता है, बड़ों में रिजल्ट थोड़े से लेट आ जाता है, बचपन में इतने फास्ट रहता है क्योंकि साथ में बच्चों को सुवर्णप्राशन भी दिया जाता है। सुवर्णप्राशन का टिप्पा है ना, रोज देना बहुत जरूरी रहता है ऐसे बच्चों में, तभी जाके ये बाइंडनेस आना या फिर छोटे छोटे बच्चों में थायराइड हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, वो सब यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो आगे इन फ्यूचर बच्चों का फ्यूचर भी खराब नहीं होता है और ये बीमारियां आगे आती भी नहीं है।